गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इन स्टैंडर्ड फोर्थ ENV चैप्टर नंबर 16 हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. सो नाउ मूविंग ऑन चैप्टर नंबर 17, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. राइट, रिप्रोडक्शन मीन्स कि सपोज हम एनिमल्स की बात करें, राइट, तो अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को बॉर्न जन्म देता है, राइट, सो उसको जो एक्चुअल है उसमें से ज़्यादा होता है क्वांटिटी वाइज, राइट, सो एक में से दो हुए, राइट, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. सो लेट अस स्टार्ट. ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, राइट, सारी जो लिविंग थिंग्स है वो रिप्रोड्यूस होती है. सम एनिमल्स ले एग्स व्हाइल अदर गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. आधे एनिमल्स है जो एग्स रखते हैं, राइट, और आधे एनिमल्स है जो अपने बेबी को बर्थ करते जन्म देते. द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वंस इज कॉल्ड द रिप्रोडक्शन, राइट. अगर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक एनिमल है वो दूसरे यंग एनिमल को बर्थ करता है, जन्म देता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन, राइट, एनिमल्स है जो अपने यंग वन को बर्थ जन्म देते हैं, ठीक है. एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन प्रोड्यूस मिल्क टू फीड दैम, दे आर कॉल्ड मैमल्स, राइट. जो एनिमल है वो अपने बेबी को बर्थ करते हैं, राइट, उसको मिल्क भी देते हैं, उन सारे एनिमल को बोलते हैं मैमल्स. दिस एनिमल्स कैरी देयर यंग वंस इनसाइड देयर बॉडीज टिल दे आर बॉर्न, राइट. ये एनिमल मैमल्स मतलब ये एनिमल एनिमल्स जब तक उसके बेबी का बोन नहीं हो जाता तब तक उस बेबी को इनसाइड देयर बॉडीज मतलब उसके बॉडी के अंदर रखते हैं. डॉग्स कैट्स एंड एलिफेंट्स आर मैमल्स, राइट. डॉग है, कैट है, एनिमल है, वो सारे मैमल्स में आते हैं. ह्यूमन बींग आर ऑल्सो मैमल्स. ह्यूमन जो है वो भी वन टाइप ऑफ मैमल्स एनिमल ही है. वेल्स एंड डॉल्फिन्स लुक लाइक फिशिश बट दे आर ऑल्सो मैमल्स. लाइक वेल और डॉल्फिन है वो दिखते हैं फिश की तरह बट वो एक्चुअल है क्या, मैमल्स है. मैमल्स आर द मोस्ट डेवलप्ड अमॉन्ग्स ऑल एनिमल्स, राइट. मैमल्स जो है वो डेवलपिंग है सारे एनिमल्स में, राइट. यहाँ पे आपको दिख रहा है डियर है उसके बेबी के साथ एंड काउ है उसके बेबी के साथ, राइट. सो दिस इज द ये एनिमल है अपने यंग वन मतलब अपने जो बेबी है उसको बर्थ देते हैं, अपनी बॉडी में उसको रखते हैं जब तक उसका प्रॉपरली ग्रोविंग ना हो जाए तब तक, ठीक है. नाउ नेक्स्ट वन, एनिमल्स दैट ले एग्स. अब कुछ ऐसे एनिमल है जो एनिमल है वो एग रखते हैं, राइट. सो बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट्स, फ्रॉग्स, स्नैक्स एंड क्रोकोडाइल्स आर एनिमल्स दैट ले एग्स, राइट. सो ये सारे एनिमल है वो एग रखते हैं. सो नंबर वन, बर्ड्स. बर्ड है वो क्या करते हैं, ऑल बर्ड्स ले एग्स. सारे बर्ड्स जो होते हैं वो एग रखते हैं. फीमेल बर्ड्स ले एग्स इन देयर नेस्ट. और बर्ड्स में जो फीमेल बर्ड होती है वो एग रखती है अपने नेस्ट में. ईच एग हैज़ अ हार्ड प्रोटेक्टिव आउटर सेल, राइट. ये जो एग है उसमें उसका जो बाहर का जो होता है, राइट, उसको आउटर जो होता है सेल उसको प्रोटेक्टिव मतलब वो बहुत ही प्रोटेक्टिव होता है और वो बहुत ही हार्ड होता है और उसको बोलते हैं आउटर शेल. दिख रहा है यहाँ पे आपको, ठीक है. इनसाइड द सेल देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड कॉल्ड द एल्बुमिन, राइट. अंदर जो है, राइट, एक वाइट कलर का स्टिकी लिक्विड होता है उसको बोलते हैं एल्बुमिन, ऑल्सो कॉल्ड एग वाइट, और उसको एग वाइट भी बोल सकते हैं. इनसाइड इट, उसके भी अंदर, राइट, देयर इज अ येलो लिक्विड कॉल्ड द योल्क दैट प्रोटेक्ट द फूड टू द बेबी ग्रोइंग इनसाइड, राइट. अब ये जो बाहर का है उसको बोलते हैं शेल बोलते हैं. अब उसके अंदर होता है एल्बुमिन होता है, लिक्विड होता है, और उसके अंदर एक येलो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं योल्क. और ये जो योल्क है, राइट, वो
जो एग होता है राइट, उसके अंदर जो बेबी जो ग्रो होता है उसको फूड देने में हेल्प करता है। हाँ, और वो तब तक प्रोटेक्ट करता है जब तक जो बेबी है वो ग्रो नहीं हो जाते, बड़ा नहीं हो जाता है। दिस बेबी इज़ कॉल्ड द एम्ब्रियो राइट। और ये बेबी जो होता है राइट, लुक एट हियर, दिस इज़ अ एम्ब्रियो एम्ब्रियो राइट। और ये है उसको बेबी ग्रो होता है। द एम्ब्रियो डेवलप इनटू द चिक ओनली व्हेन द एग इज़ केप्ट वॉर्म राइट। ये एम्ब्रो जो है राइट, वो तभी उसमें चीक, मतलब जो बेबी होता है बर्ड का उसको बोलते हैं चीक, तभी उसको बॉर्न करता है जब तक उसको ये जो एग है उसको प्रॉपरली वॉर्म ना मिले। तो पेरेंट्स बर्ड कीप द एग वॉर्म बाय सिटिंग ऑन इट राइट। और जो पेरेंट्स होते हैं इस एग के राइट, वो उसके ऊपर एग के ऊपर बैठ के उसको वॉर्म देते हैं जब तक उसके अंदर प्रॉपरली चीक बोर्न ना हो जाए। सो आफ्टर 21 डेज द फुली ग्रोन चिक ब्रेक द एग एंड कम आउट। दिस इज़ कॉल्ड हैचिंग राइट। आपको दिख रहा है यहाँ पे ये पूरा हो जाए राइट। ये एम्ब्रो जब बन जाता है राइट, उसके बाद 21 डेज तक उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसको वॉर्म देते हैं एग को और प्रॉपरली ऐसा बन जाता है राइट। सो उसके बाद ग्रोन चिक, ये जो चीक है वो प्रॉपरली ग्रोन हो जाए, बड़ा हो जाए राइट। उसके बाद वो जो एग से ब्रेक, मतलब एग को तोड़ के वो बाहर आता है, उसको बोलते हैं हैचिंग राइट। सो द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर एंड देयर आईज आर क्लोज। और जो ये बेबी चीक बनता है राइट, उसमें फेदर नहीं होते और उसकी आईज क्लोज होती है। द पेरेंट्स बर्ड्स फिट देम एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। द लुक आफ्टर देम इट टिल दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू लुक आफ्टर देम सेल्फ राइट। अब ये जो बेबी होती है चिक राइट, वो तो एग के अंदर होती है राइट, तो उसको तो पता नहीं है कि बाहर क्या है ठीक है। तो जो पेरेंट्स होते हैं उसके चिक के ठीक है, वो उसको प्रॉपरली सब समझाता है कि ऐसे आपको फ्लाई करना है राइट। वो जब तक प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, अपने आप सब काम करना करने ना लगे, तब तक वो उसको टीच करता है, ट्रीट करते हैं ठीक है। सो दिस इज़ द बर्ड। नाउ फिश। फिश ले थाउजेंड ऑफ एग्स इन सेफ प्लेस इन वाटर। फिश है वो भी एग ले करते हैं, और उसके एग्स कितने होते हैं, थाउजेंड होते हैं, और वो वाटर में रखते हैं और वो प्रॉपरली जहाँ पे वाटर में सेफ प्लेस हो वहाँ पे वो रखते हैं। द एग ऑफ फिश आर कॉल्ड द स्वान राइट। स्वान मतलब ये जो एग रखते हैं फिश, उसको बोलते हैं स्वान। द अ यंग बेबी फिश हैच एंड ग्रो इनटू द फ्रे राइट। जैसे ही हमने जैसे बर्ड में देखा राइट, उसमें सेम वैसे फिश में भी स्वॉर्म जो होती है राइट, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ये अंडे उसने रखे राइट। जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं उसको बोलते हैं फ्राई, और उसमें से अगर प्रॉपरली बड़े हो जाए तो उसको बोलते हैं एडल्ट फिश, मतलब बहुत बड़ी हो जाती फिश ठीक है। द फ्राई ग्रोज इनटू एन एडल्ट फिश राइट। ये हो जाते हैं उसके बाद वो ऐसे हो जाते हैं। आउट ऑफ द थाउजेंड ऑफ एग्स द फिश लेज ओनली अ फ्यू हंड्रेड ग्रो इनटू अ बेबी फिश। ये जो फिश है वो थाउजेंड एग्स तो रखते हैं, बट उसमें से सिर्फ 100 जैसे ही उसमें से ग्रो हो जाते हैं बेबी। मैनी एग्स आर इटन बाय अदर बिग फिश। और बहुत सारे एग ऐसे होते हैं जिसमें जो जो बड़ी फिश होती है उसको वो खा जाता है ठीक है। सो दिस इज़ अ फिश। नाउ सो मूविंग ऑन इज फ्रॉक्स। अ फ्रॉग लेज एग्स इन द सेफ प्लेस इन वाटर लाइक द फिश राइट। सो फ्रॉग जो होते हैं वो अपने एक वाटर में रखते हैं राइट, और जैसे फिश सेफ प्लेस में रखते हैं वैसे भी ये फ्रॉग भी सेम वैसे ही सेफ प्लेस पे अपने एग ले करते हैं। अ क्लस्टर ऑफ फ्रॉग्स एग्स इज कॉल्ड स्वान। जैसे ही वो एग रखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं स्वान। अबाउट 3 वीक लेटर बेबी फ्रॉग कम आउट ऑफ द एग्स। अब 3 वीक हो जाए उसके बाद जो बेबी फ्रॉग होते हैं वो एग में से बाहर निकलते हैं। दे आर कॉल्ड द टेडपॉल्स, और उसको बोलते हैं टेडपॉल्स।
दे लुक लाइक टाइनी फिश एंड ब्रीथ थ्रू क्विल्स, राइट। और वो जो बाहर निकलते हैं टैडपॉल्स, उसको बोलते हैं वो कैसे दिखते हैं, टाइनी फिश दिखते हैं, और वो ब्रीथ कैसे लेते हैं, उसके गिल से। द टैडपॉल ग्रेजुअली लूज देयर टेल्स एंड डेवलप लेग्स। आफ्टर सम टाइम दे बिकम अ एडल्ट फ्रॉग। जिसका जैसे टैडपॉल है, उसका जन्म होता है, राइट, उसमें एक टेल होती है, राइट, एक टेल्स होती है, वो है ना, थोड़े दिन के बाद वो निकल जाती है और उसकी जगह पे उसके लेग डेवलप हो जाते हैं, राइट। सो आफ्टर सम टाइम इट बिकम एडल्ट फ्रॉग, और उसके बाद वो टाइनी फिश की जैसे दिखते हैं, उसमें से कैसे दिखते हैं, फ्रॉग की तरह दिखते हैं। लाइक फिशेस, पेरेंट्स फ्रॉग्स टेक केयर ऑफ देयर बेबीज ओनली फॉर द शॉर्ट टाइम। अब जब फिश है, वो कैसे शॉर्ट टाइम पे ही उसके बेबी फिश का ध्यान रखते हैं, राइट। सो फ्रॉग भी शॉर्ट टाइम पर ही उन लोगों का, फ्रॉग का ध्यान रखते हैं, उसके बेबी का, ठीक है। लुक एट दिस इज़ अ लाइफ साइकिल ऑफ द फ्रॉग, मतलब फ्रॉग कैसे बनते हैं, राइट। ये पूरा यहाँ पे आपको पिक्चर दिया है। फर्स्ट क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ एग्स इन वाटर, राइट। वो जो फ्रॉग है वो बहुत सारे एग वाटर में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, अर्ली टैडपॉल्स, यहाँ पे दिख रहा है इसको, राइट। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि थोड़ी देर बाद उसका अर्ली बेबी जो होती है फ्रॉग का, उसको बोलते हैं टैडपॉल्स बोलते हैं यहाँ पे। द नेक्स्ट थिंग इज़ द ग्रोविंग टैडपॉल्स, यहाँ पे उसको दिख रही है आपको टेल्स, ठीक है। देन टैडपॉल विथ हिम लिम्स, दिख रही है उसकी लिम्स। ये जो प्रोसेस है, तब तक वो पानी में ही रहते हैं जब तक उसकी ये लिम्स, मतलब जिस जो उसकी टेल है वो चली नहीं जाती, तब तक वो पानी में ही रहते। आफ्टर दैट वो उसकी जो लिम्स है वो निकल जाती है, और यंग फ्रॉग क्रैविंग फ्रॉम वाटर ऑन टू लैंड। अब जो बड़ा हो जाता है फ्रॉग, उसके जो लेग निकल आते हैं वो बाद पानी में से बाहर आ जाता है, और फिर एडल्ट फ्रॉग बन जाता है, मतलब बहुत बड़ा फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, ठीक है। नाउ मूविंग एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स लाइक लिजार्ड्स, टर्टल्स एंड स्नैक्स ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड, राइट। वो भी लिजार्ड, टर्टल और स्नैक की तरह एग कहाँ पे रखते हैं, ग्राउंड पे। दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, वो जो एग है उसके ऊपर बैठते नहीं है उसको वार्म देने के लिए, जैसे बर्ड बैठते हैं, ठीक है। द एग्स आर वार्म्ड बाय द हीट ऑफ द सन, और उसके जो एग है वो सन की जो हीट मिलती है उससे ही वार्म होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, क्रोकोडाइल्स डिग शैलो पिट इन द सैंडी रिवर बैंक टू ले देयर एग्स। क्रोकोडाइल है, राइट, वो रिवर के पास जो होती है बैंक, वहाँ पे एक डिग, मतलब एक गड्ढा बना के उसमें एग रखते हैं। द मदर कवर द एग्स विथ सैंड एंड गर्ड देम। अब वो है ना, उसकी मदर जो होती है क्रोकोडाइल की, वो पूरा गड्ढा बनाते हैं, उसके अंदर एग रखते हैं, और वापस से वो उसके ऊपर सैंड रख देते हैं, मतलब वो पूरा डांट देते हैं, अंदर रख देते हैं। व्हेन द बेबीज हैच आउट फ्रॉम द एग्स, इट डिग्स अवे द सैंड एंड सेट देम फ्री। जैसे ही उसमें से एग में से बेबी हिच होता है, मतलब बेबी का बोन होता है, राइट, वो जो डिग गड्ढे में जो होते हैं ना, उसमें से वो पूरी सैंड को निकाल के अपने आप को बाहर लाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो एग थी वो तो ज़मीन के अंदर डिग करके रखी थी ना, राइट। सो वो उसमें से बाहर निकलते हैं एग में से, और वो ज़मीन की जो सैंड होती है उसको निकाल के भी बाहर निकलते हैं। एज अ यंग वन कम आउट, द मदर कीप देम इन अ स्पेशल पाउच एट द बॉटम ऑफ हर माउथ फॉर सम टाइम। जैसे ही उसके बेबी बॉर्न होते हैं, राइट, तो जो मदर होती है क्रोकोडाइल की, राइट, उसको उसके पाउच में, लाइक उसके जो माउथ है उसमें उसको रखते हैं थोड़े टाइम के लिए। यहाँ पे दिख रहा है आपको पिक्चर, यंग वन है उसके मुँह में है क्रोकोडाइल के, ठीक है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ क्रोकोडाइल। नाउ नेक्स्ट वन इज अ इंसेक्ट, ऑल इंसेक्ट ले एग्स, जो इंसेक्ट है वो लेग एग रखते हैं। इंसेक्ट लाइक अ ग्रास हॉपर एंड द कॉकरोचेज हैव देयर थ्री स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, राइट।
जो कॉकरोचेज है, ग्रास हॉपर है, उसकी लाइफ साइकिल मतलब जन्म देने की साइकिल जो है उसमें 3 स्टेज है। द बेबी कॉकरोच इज कॉल्ड निफ। इट शेड्स इट्स स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू एन एडल्ट। शेडिंग ऑफ ओल्ड स्किन इज कॉल्ड द मोल्टिंग। राइट, यहाँ पे आपको दिख रहा है बाजू में, राइट, एग है, उसमें से वो बेबी बनता है, बेबी कॉकरोच, राइट, उसको बोलते हैं निफ। उसमें से उसके बाद उसकी जो शेड होती है उसकी जो ऊपर, राइट, उसकी स्किन बहुत टाइम चेंज होती है, राइट, वो चेंज होने के बाद वो क्या बनते आता है, एडल्ट कॉकरोच, राइट। अब ये जो उसकी स्किन है ओल्ड स्किन, राइट, उसको चेंज होने की जो प्रोसेस है, राइट, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। मतलब ये स्किन बार बार चेंज होती है उसको बोलते हैं मोल्टिंग। अदर इंसेक्ट लाइक द बटरफ्लाई एंड द हाउस फ्लाई हैव 4 स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। अब बटरफ्लाई है और हाउस फ्लाई है, उसकी 4 स्टेज होती है लाइफ साइकिल में। द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन द क्लस्टर ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, राइट। और जो बटरफ्लाई होती है उस वो एग कहाँ पे रखते हैं, अंडर साइड ऑफ द लीफ, लीफ के अंडर साइड रखते हैं। ईच एग्स हैचिज इन टू द लार्वा दैट लुक्स लाइक द वॉर्म, दिस इज द कैटरपिलर, राइट। यहाँ पे आपको दिख रही है एग रखा है, उसमें से उस क्या हुआ, कैटरपिलर हुआ, दिख रहा है यहाँ पे, ऐसा होता है कैटरपिलर, ठीक है। इट इट्स लिव्स एंड ग्रोइंग ग्रोस क्विकली, ये है कैटरपिलर, वो पूरे दिन मतलब लीव्स खाते और उसके उसमें से ग्रो होता है उसका, और जल्दी जल्दी उसका ग्रो होता है। आफ्टर सम टाइम, थोड़े टाइम के बाद द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग एंड फॉर्म अ शेल कॉल्ड द कोकून अराउंड इट बॉडी, राइट। बहुत वो लीव्स खाते हैं, राइट, उसके खाने के बाद उसमें वो खाना बंद कर देते और उसको एक शेल बनता है, इट्स कॉल्ड अ कोकून। दिस स्टेज इज कॉल्ड द प्यूपा। यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है ये कैटरपिलर है, उसने लीव खाए, उसके बाद ऐसा पूरा उसके बॉडी के ऊपर शेल हो जाता है, ठीक है, कवर हो जाती है उसकी पूरी बॉडी, उसको बोलते हैं प्यूपा। इनसाइड द प्यूपा द कैटरपिलर स्लोली चेंज इट्स शेप। अब अंदर जो होता है प्यूपा, राइट, उसमें वो थोड़े देर बाद उसका बॉडी शेप चेंज होता है। आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम द प्यूपा एंड द एडल्ट बटरफ्लाई कम आउट, राइट। इसमें थोड़े टाइम के बाद उसका पूरा बॉडी चेंज होता है, उसमें से क्या हो जाता है, बटरफ्लाई होता है, राइट। सो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है, सेम एज द कॉकरोचेज है, उसकी लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस है, ठीक है। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 17 द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, राइट। सो आई होप यू आर क्लियर, थैंक यू।